हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि 2012 से लेकर 2014 तक वो कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड था जिसने इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में राज किया था? दोस्तों, वो स्मार्टफोन कंपनी और कोई नहीं बल्कि हमारे देश की कंपनी माइक्रोमैक्स थी। उस वक्त माइक्रोमैक्स इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी दोस्तों कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी सैमसंग को भी इंडिया में उसने बीट कर दिया था। दोस्तों, जैसे आज के समय में शियाओमी, वीवो, ओप्पो और रियलमी जैसी चाइनीज कंपनीज ने पूरे इंडियन मार्केट को डोमिनेट किया हुआ है, वैसे ही 2012 से 2014 के टाइम पीरियड में इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज जैसे कि माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, लावा जैसी कंपनीज ने इंडियन मार्केट में पकड़ बनाई हुई थी। उसमें से आज की कहानी में हम माइक्रोमैक्स की राइज और फॉल की स्टोरी जानेंगे। दोस्तों, माइक्रोमैक्स की शुरुआत 2000 के साल में राहुल शर्मा ने गुरुग्राम हरियाणा से की थी। उस वक्त माइक्रोमैक्स आईटी कंपनी थी जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया करती थी। 8 साल तक माइक्रोमैक्स ने अपना सॉफ्टवेयर बिजनेस अच्छे से इंडियन मार्केट में चलाया। उसी की वजह से माइक्रोमैक्स ने इंडियन मार्केट में अपना अच्छा नाम बना लिया था। उस वक्त सैमसंग और नोकिया जैसी कंपनीज फीचर फोन मार्केट में काफ़ी अच्छा सेलिंग कर रही थी, तो माइक्रोमैक्स ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए फ़ोन के हैंडसेट बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया। 2009-10 तक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्टफोन मार्केट में काफ़ी पॉपुलर होने लगे थे और ऐसे स्मार्टफोन सिर्फ सैमसंग और मोटोरोला जैसी कंपनी ही बनाया करती थी। पर इन सारी कंपनीज के फ़ोन इतने ज़्यादा महंगे होते थे कि कोई मिडिल क्लास इंडियन फैमिली पर्सन इसे अफोर्ड भी नहीं कर पाता था। इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए एक बार राहुल शर्मा चाइना गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर कंपनी के पास अपने फ़ोन बनवाकर उसे माइक्रोमैक्स का लोगो लगाया और उसे इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया। धीरे धीरे माइक्रोमैक्स के फ़ोन इंडिया में पॉपुलर होने लगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की वजह से एक समय ऐसा भी आया कि माइक्रोमैक्स इंडिया की सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन सेल करने वाली कंपनी बन चुकी थी और माइक्रोमैक्स ने सैमसंग जैसी सबसे बड़ी कंपनी को भी बीट कर दिया था दोस्तों इंडिया में। क्योंकि माइक्रोमैक्स अपने जो भी फ़ोन लाती वो 5 से 10 हज़ार के रेंज में होते थे और वहीं सैमसंग ऐसे फ़ोन 30 से 40 हज़ार में बेचा करती थी। इसीलिए माइक्रोमैक्स जो भी अपना नया फ़ोन मार्केट में लॉन्च करती वो धूम मचा देता था और तभी माइक्रोमैक्स का कैनवा सीरीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था दोस्तों। फिर ऐसा तो क्या हुआ कि इतनी अच्छे प्रोग्रेस के बावजूद भी माइक्रोमैक्स आज स्मार्टफोन मार्केट की रेस से ही निकल गई है दोस्तों। 2014 में चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी शाओमी इंडिया में एंटर हुई और वह भी यही रेंज वाले फ़ोन इंडिया में बेचने लगी। और शाओमी के सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि वो अपने फ़ोन रिटेल शॉप में ना बेचकर ऑनलाइन बेच रही थी, क्योंकि उस वक्त इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग काफ़ी पॉपुलर होने लगी थी। लोगों को अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनी पर ट्रस्ट होने लगा था। तभी इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए शाओमी ने फ्लिपकार्ट के साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप की। शाओमी ने फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए अपना पहला स्मार्टफोन मी 3 इंडिया में लॉन्च किया, जिसने सारे मार्केट में तहलका मचा दिया। इसी बीच वीवो और ओप्पो जैसी चाइनीज कंपनीज ने रिटेल मार्केट में आकर सारा मार्केट कैप्चर कर लिया, जिस कारण माइक्रोमैक्स अपने फ़ोन में कुछ ज़्यादा इनोवेशन न कर पाने की वजह से वो अपने पुराने कस्टमर खोती जा रही थी। और एक टाइम ऐसा भी आया कि उनको अपना फ़ोन सेलिंग सेक्टर बंद करना पड़ा। और वहीं आज कुछ साल पहले स्टार्ट हुई शाओमी, ओप्पो, वीवो जैसी कंपनीज के अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होने की वजह से वो अच्छे से अच्छे प्रीमियम स्मार्टफोन कम से कम कीमत पर इंडिया में लाने लगी है। और बीते 6 सालों में इन चाइनीज कंपनीज ने घर घर जाकर अपना नाम बना लिया। इसी की वजह से दोस्तों हमें मजबूरन चाइनीज स्मार्टफोन यूज़ करने पड़ते हैं। कुछ समय पहले इंडियन आर्मी के जवान गलवान घाटी में शहीद हुए हैं, जिसकी वजह से एक नया कैंपेन स्टार्ट हुआ है कि चाइनीज प्रोडक्ट को बैन किया जाए। और यह सही भी है दोस्तों, पर हमें ये परिस्थिति यह सोचने पर भी मजबूर करती है कि दोस्तों हमारे पास कोई इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड होता तो शायद हम चाइनीज स्मार्टफोन यूज़ न कर रहे होते। आशा करता हूँ कि फिर से फ्यूचर में कोई इंडियन कंपनी आएगी जो पूरे इंडिया में फैल जाएगी और हम चाइनीज प्रोडक्ट को यूज़ ही नहीं करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।